राधे राधे, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं आपके साथ पंडित विशाल शास्त्री। आज का विषय है, आज जानेंगे 2021 में छठ पूजा कब है। छठ पूजा बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। बड़े ही उत्सव के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है, जिससे संतान निरोग रहती है, परिवार में धन धान्य आदि समृद्धि सब बढ़ने लगती है और भगवान सूर्यदेव की परम अनुकंपा भी प्राप्त होती है। मित्रों, चैनल पर नए तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो निरंतर आपको प्राप्त होती रहे। चलिए जानते हैं छठ पर्व के विषय में, किस समय भगवान सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए, किस समय भगवान सूर्य देवता उदय होंगे और किस समय अस्त होंगे, इसके विषय में डिटेल में विस्तारपूर्वक चर्चा आपको प्राप्त होगी। छठी मैया और छठी पूजा का पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व दीपावली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। मुख्य रूप से ये बिहार, झारखंड आदि प्रदेशों में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। कहते हैं इस पूजन में 2 प्रमुख देवता होते हैं, प्रथम भगवान सूर्यदेव और द्वितीय छठी मैया। छठी मैया और भगवान सूर्यदेव का विशेष रूप से पूजन इस छठी पर्व में किया जाता है। छठी माता को संतानों की रक्षा के रूप में पूजा जाता है। इनको नवरात्रों में 6ठे दिन कात्यायनी के रूप से पूजा जाता है, जो संतानों की रक्षा करने वाली होती हैं और परिवार में वंश आदि वृद्धि का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं माता छठी। और भगवान सूर्यदेव, जिन्हें अर्घ्य प्रदान किया जाता है, जो समस्त चर अचर जीवों को शक्ति प्राण शक्ति प्रदान करते हैं भगवान सूर्यदेव, उनको भी अर्घ्य दिया जाता है। कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार छठी माता भगवान ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कही जाती है, ऐसा पुराणों में वर्णन प्राप्त होता है। छठ पूजा का उत्सव 4 दिन तक प्रमुख रूप से चलता है। यह पर्व शुक्ल चतुर्थी से आरंभ हो जाता है और सप्तमी में जाकर इसका समापन होता है। पहले दिन सबसे पहले नहाया खाया किया जाता है, यानी कि इस दिन चतुर्थी को सबसे पहले घर की साफ सफाई आदि की जाती है। तन मन और धन तीनों को शुद्ध और सात्विक किया जाता है, यानी तामसिक चीजों से बचना होता है। इस दिन से लहसुन प्याज इत्यादि सब घर पर बंद हो जाता है और घर पर जो भोजन बनेगा केवल शुद्ध और सात्विक। पंचमी तिथि को खरना किया जाता है। खरना यानी कि दूसरे दिन उपवास रखते हैं। इस दिन जल की एक बूंद भी माताएं ग्रहण नहीं करती हैं। शाम के समय, संध्या के समय गुड़ की खीर, घी लगी हुई रोटी और फलों का सेवन किया जाता है। शाम को अर्घ्य देकर भगवान सूर्यदेव को फिर जो है अपना प्रसाद को ग्रहण करते हैं घर के सभी सदस्य। अगले दिन तीसरा विशेष रूप से भगवान सूर्यदेव को शाम के समय अर्घ्य दिया जाता है। शाम को बांस की टोकरी में फल, ठेकुआ, चावल के लड्डू आदि रखकर और एक सूप में दीपक प्रज्वलित करके भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। सब परिवार, सभी लोग जाते हैं और नदी के किनारे या कोई सरोवर है, तालाब है, उसके किनारे जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाता है। उसके किनारे बैठकर छठी माता की दिव्य कथा को सभी लोग श्रवण करते हैं, रसपान करते हैं। पूजन के पश्चात कच्चे दूध का शरबत पीकर थोड़ा सा प्रसाद खाकर इस व्रत को खोला जाता है। इसमें कुछ विशेष सामग्रियां होती हैं, जैसे बांस की टोकरी हो गई, फल फूल मिठाई, लाल सिंदूर, नारियल, गन्ना, सुथनी, सब्जी, शकरकंद, नाशपाती, बड़ा नींबू, शहद, पान, साबुत, सुपारी, केराव, कपूर, चंदन, मिठाई। प्रसाद के रूप में ठिकुआ, मालपुआ, खीर पूरी, सूजी का हलवा, चावल के बने हुए लड्डू। इस प्रकार से बहुत सारी सामग्रियाँ होती हैं जो माताओं को अक्सर सभी को पता है जो छठी माता का पूजन करती है। तो ये सब सामग्रियाँ सूप में रख के भगवान सूर्य को दिखाई जाती हैं, अर्घ देते हैं। कथा आदि सुनकर इस व्रत को पूर्ण किया जाता है और अगले दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर ये 4 दिन तक चलने वाला महापर्व, जिसे छठ पूजा के नाम से जाना जाता है, इसको पूर्ण किया जाता है। कहते हैं कि इस व्रत को माताएं रखती हैं, जिससे परिवार में सब कुशल रहें, सब संतानवान रहें, संतानें प्रसन्न रहें, सुखी रहें और छठी माता और भगवान सूर्यदेव की परम अनुकंपा वंश पर, परिवार पर बनी रहे हमेशा। इसी प्रकार से मित्रों, ज्ञानवर्धक वीडियो आपको निरंतर प्राप्त होती रहे, इसके लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करके रखें और मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में।